तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर जावा सिंटेक्स क्या है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो हमारा सिंटेक्स है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, देन वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। तो अगर हमने लिखा इंस्ट्रक्शन में int a, ये इंस्ट्रक्शन इंडिकेट करता है कि आप अपने प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इस वेरिएबल को आप किस नाम से कॉल करोगे? ए, इसका डेटा टाइप क्या है? इंट। इंट का साइज कितना होता है? आपने देखा इंट का साइज होता है 32 बिट्स। तो इस वेरिएबल का साइज कितना होगा? 32 बिट्स, क्योंकि आपने इंट टाइप का बर्तन बनाया है, कंटेनर क्रिएट किया है, तो वो उसके लिए 32 बिट मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा। आप उस वेरिएबल को ए नाम से कॉल करोगे। अगर आपने लेटर ऑन आपने आगे जाके वेरिएबल ए में कोई वैल्यू असाइन किया, तो वो वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखा ये जो प्रोग्राम सिंटेक्स है कि कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करना मतलब वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन, प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना कि हम ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम प्रोग्राम को ऑर्डर करते हैं कि वह हमें एक वेरिएबल क्रिएट करके देगा। नाउ हम लोग यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हर एक ऑपरेशन या एक सिंगल जॉब के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम बताते हैं कि हाउ दैट फंक्शन वर्क्स। तो सबसे पहले मैं एक स्यूडो कोड मैथ फॉर्म में एक आपको फंक्शन सिग्नेचर दिखाता हूँ। सपोज हमें एक टी प्रिपरेशन का कोड लिखना है, तो हमने फंक्शन बनाया प्रिपेयर टी, और इसमें पैरामीटर बॉडी हमें लिखनी होती है कंपलसरीली। तो पैरामीटर बॉडी में हम बताते हैं कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो है वाटर, देन मिल्क, देन शुगर एंड टी लीव्स। नाउ यहाँ पर हम बताते हैं कि इस फंक्शन का जब रन कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो हमने कहा अ कप ऑफ टी, ठीक है। आपने देखा हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेस क्रिएट किया है, देन उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो ये है फंक्शन डेफिनेशन। इसे हम क्या बुलाएंगे? क्या है ये? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। इस फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू हम क्या बताते हैं कि हम एक नया फंक्शन को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसे हम किस नाम से कॉल करेंगे। वो नेम हमने असाइन किया, देन उसके बाद उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे हमने एक पैरामीटर बॉडी क्रिएट किया हुआ है जो इंडिकेट करता है कि इसे क्या कोई इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, तो वो क्या क्या इंग्रेडिएंट है। देन उसके बाद हमने ये बताया कि ये जो फंक्शन है तो उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो हमने कहा अ कप ऑफ टी। मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूँ कि ये जो फंक्शन का पार्ट है जिसमें हमने रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर बॉडी क्रिएट किया हुआ है, और कर्ली ब्रेस शुरू होने से ठीक पहले तक का ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हमने कहा फंक्शन या मेथड सिग्नेचर। ओके, देन अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? रिटर्निंग फंक्शन, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। मैं थोड़ी देर के बाद इसको कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आप देखो, तब तक के लिए सी यू।